afternoon, salam, namaste, satsirakal. This is Pallab Ghosh from Radiance Media. I was going through the areas prior to the MCD polls, and I have shown you how the development is actually taking place. I showed you how development has taken place at Delhi University, manholes open. And I was here at the IP Extension. IP Extension is one of the affluent cooperative group housing society area. So I was just showing you how open drains and how the development has taken place. And I myself stayed here for 19 years and the situation has not changed. I have Yamin Malik with me, who is resident of Joshi Colony. And I will be asking him the ground realities. यामिन जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अभी बात हो रही थी ऑफ कैमरा कि डेवलपमेंट का तो कोई डी भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी खुले ड्रेन्स और सब कुछ वही है, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? आप ये देख रहे हैं एमसीडी में जो इस टाइम जो मौजूद है एमसीडी में, आप ये देख रहे हैं ना, कोई सड़क बन रही है, ना नाले बन रहे हैं, ना गलियों की कोई सड़क बन रही है, जो आता है ना जो कोई जैसे गैस की पाइप लाइन डली है वो खुद ही है, खुद के ये ऐसे ही मट्टी डाल के चले गए जी। उसका तो जो है एमसीडी का बनता है, क्या 5 साल में एक बार सड़क बनती है, वो भी बनती है। ये देख लीजिए, ये मेरे टाइम की है और मैंने इसकी मदद करवाई थी। उस टाइम पे नसीर सिंह थे, उप नसीर सिंह थे, गीता शर्मा निगम पार्षद थी, उस टाइम पे ये बनी थी 6 साल जी। ना तो यहाँ सड़क बनी जी, ना गली बन रही है जी। जो भी पार्टी के लोग नेता बन जाते हैं, बनने के बाद कोई काम जी। यमन जी का कहना है कि सियासत खेली जाती है, सियासतदान वही सियासतदान बदल जाते हैं, सियासत रह जाती है। यमन जी, मेरा अगला सवाल जाहिर सी बात ये होगी कि आपने अभी कहा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, आप लोगों ने उनसे गुहार लगाई है, आप देख लो जोशी कॉलोनी, तो एमएलए बदले हैं, कांग्रेस को जो लोग गालियां देते थे वो लोग आए हैं पावर में, आपने अभी नसीब सिंह का जिक्र किया। लेट मी टेल यू अबाउट वन थिंग, आई हैव माइसेल्फ बीन कवरिंग नसीब सिंह फॉर मेनी इयर्स एंड आई नो नसीब सिंह हैड बीन डूइंग लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड नसीब सिंह वाज इनफैक्ट आई वाज जस्ट गोइंग टू मीट नसीब सिंह टुडे। सो आपने नसीब सिंह का जिक्र किया, नसीब सिंह के जमाने का जिक्र किया, तो नसीब सिंह वो उन विधायकों में से थे जो कि कभी कभी दिन में 3-4 बार भी राउंड लिया करते थे। वो नंबर एक के आदमी नसीब सिंह, आज तक यहाँ पे ऐसा विधायक आया नहीं जी मेरे टाइम में, तो किसी से भी आप पता कर लीजिए, यहाँ पर नसीब सिंह से अलावा यहाँ पर किसी ने काम नहीं कराया जी। कम से कम 20 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, 20 से ऊपर हो गए जी, कोई यहाँ पर काम नहीं होता है। आप अपने सामने इतना पूरा आलू पड़ा है जी, कोई यहाँ काम नहीं होता जी। सब बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं हमें वोट नहीं मिला, अगर वोट नहीं मिला तो क्या आप बड़े नहीं बनवाओगे, नाली नहीं बनाओगे, वोट नहीं मिला तो पिसता कौन है? हम पिसते नहीं, हम वोट जो देते हैं हम पिसते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये ओपन ड्रेन वाला मुद्दा बहुत सीरियस है, क्योंकि इससे तमाम डिजीज़ तमाम बीमारियों का जड़ है। तो आप लोग एमएलए या पार्षद से गुहार नहीं लगाते हैं? और उनका रवैया क्या रहता है? आप एमएलए क्या, मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठे इनका आ जाए यार, बताइए क्या कर रहे हैं, बताइए कुछ काम कर रहे हैं ये लोग? राउंड देते हैं कमर्शियल, हमारे को कमर्शियल, हमें कितना नुकसान हो रहा है, हम कमर्शियल काम करते हैं जी। तो मीटर बढ़ा दिया ना, मीटर से रेट बढ़ा दिया, ये 200 रुपये 200 यूनिट करने से क्या हो रहा है जी? आपने 200 यूनिट फ्री कर दिया जी, आपने अपनी जेब से दिया कभी? ये हमारी जनता का पैसा जाता है जी। बताइए कमर्शियल वालों से पूछो, जो दुकानदार है जी, उनका कमर्शियल कितना रेट बढ़ा दिया बताइए? 3.5 रुपये की यूनिट की बिजली थी जी, आज कमर्शियल 13 रुपये यूनिट है जी। तो हम क्या कहाँ से देंगे कमा के? हमें जब बिजली मिलेगी हम कोई कारोबार करेंगे, सस्ती बिजली मिलेगी जब तो हम कमा पाएंगे। सेम क्वेश्चन, देयर इज नो डेवलपमेंट, पॉलिटिशियंस आर सीकिंग वोट बट नो डेवलपमेंट। यामिन जी, आखिरी सवाल, आपने अभी कहा कि आप लोग एरिया के बेहतरी, एरिया के बेटरमेंट के लिए आपने काफ़ी काम किया है, तो एमसीडी चुनाव फिर से सामने है, निकाय चुनाव, और वही सियासत खेली जा रही है कि हर रोज़ लोग कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपका बिल्कुल कायाकल्प कर देंगे एरिया का, आपको कितनी उम्मीद है? आपके पास जाएगा, मैंने ये क्या था, मैंने क्या था, जो पार्टी यहाँ पर पहले निगम पार्षद थी उन्होंने काम किया, जो अब आए हैं ना ये नेता, जो केजरीवाल हो गया, ये जो यहाँ पे जो नेता बन गए हैं, इस कॉलोनी में कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत जो यहाँ पे लोग खड़े उनसे पता कर सकते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, आप किसी इनसे भी पता कर सकते हैं, ये खुद बता देंगे।
ये भी यहीं रहते हैं, ये जायद भाई हैं।